रविवार को हमने सुपर फोर का दूसरा गेम देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2022 की। इस मैच में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम खेल का स्थल था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दाहिनी चोटिल हो गए थे, इसलिए अंततः युवा लड़के हसनैन ने एशिया कप में डेब्यू किया। रोहित ने पहले गेंदबाजी में दिलचस्पी दिखाई। भारतीय कप्तान ने पिछले मैच में की प्लेइंग 11 से घायल जड्डू, बीमार आवेश खान और डीके को बाहर कर दिया। ऋषभ पंत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला। रोहित ने दो नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में डेब्यू कराया, पहला भाग्यशाली दीपक हुडा और दूसरा रवि बिश्नोई। भारत के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की शुरुआत की और उन्होंने सीधा आक्रमण शुरू किया। रोहित ने युवा नसीम शाह पर हमला शुरू किया। केएल राहुल ने हसनैन को अपने बल्ले के नीचे ले लिया। उन्होंने तुरंत आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और रुकने के मूड में नहीं थे। दोनों ने केवल 26 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी कर। ये पाकिस्तान के खिलाफ तेज हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप है। ये भारत के लिए भी एशिया कप में सबसे तेज अर्धशतकीय साझेदारी थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित ने केवल 16 गेंदों में 28 रन बनाए। अब हम कह सकते हैं कि विराट कोहली वापस फॉर्म में बल्लेबाजी कर। पावर प्ले के बाद पहली गेंद पर राहुल ने शादाब खान को अपना विकेट दे दिया। राहुल का फायर भी 28 रन पर आउट हो गया। मिस्टर 360 डिग्री पहली गेंद पर चौका मारने के लिए बल्लेबाजी करने आए। विराट ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को निशाने पर लिया, लेकिन वो केवल 13 रन ही बना सके। वहीं दूसरे छोर से विराट फायरिंग कर रहे थे। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कर पाए। विराट ने सिर्फ 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पंत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। उन्होंने अपना विकेट शादाब खान को गिफ्ट में दिया। पिछले मैच के हीरो हार्दिक पांड्या भी शून्य पर आउट हुए। यहीं से भारत की बल्लेबाजी में उतार चढ़ाव होने लगा। दीपक हुडा 131 के स्कोर पर बल्लेबाजी करने आए। विराट पूरे पार्क में गेंदबाजी की धुनाई कर रहे। आखिरी ओवर में विराट रन आउट हो गए। रवि बिश्नोई पाठ्यक्रम से बाहर आए और आखिरी दो गेंदों पर दो चौके लगा दिए। फखर जमान की बदौलत उनकी मिसफील्डिंग के कारण कुल 181 रन बने। वहीं पाकिस्तान के पास मैच जीतने के लिए काफी रन थे। चोटिल मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बल्लेबाजी के लिए आए। कुछ चौके लगाने के बाद पाकिस्तान ने बाबर आजम को सिर्फ 14 रन पर खो दिया। यहाँ भी रवि बिश्नोई ने बहुत कुछ कमाल कर दिखाया। फखर जमान बल्लेबाजी करने आए। मोहम्मद रिजवान ने पूरे पार्क में भारतीय गेंदबाजों को मारना शुरू किया। जवान रक्षात्मक खेल रहे थे। वहीं यूजी चहल के पहले ओवर में फखर जमान ने विराट कोहली को हिट करने और पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद पाकिस्तान मैनेजमेंट ने तुरुप का एक कर। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में भारत ने रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पर भेजा। इसी तरह स्पिनर मोहम्मद नवाज ने नंबर 4 पर आकर गजब की बल्लेबाजी और खेल को पलट दी। नवाज और रिजवान ने दोनों छोर से गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। उन्होंने कुछ ही समय में 76 रनों की साझेदारी की। नवाज की बदौलत उन्होंने महज 20 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। दूसरी ओर योद्धा मोहम्मद रिजवान ने अर्धशतकीय पारी खेली। भुवनेश्वर कुमार ने 15वां ओवर फेंकने के लिए जबरदस्त गेंदबाजी की और नवाज और रिजवान के बीच साझेदारी को तोड़ दिया। हार्दिक और चहल ने रन लुटाए। हार्दिक फिर 7वां ओवर करने आए। पाकिस्तान को आखिरी 4 ओवर में 43 रन चाहिए थे। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर हार्दिक पांड्या ने रिजवान को चलता किया। उन्होंने एक बार फिर फैंस का दिल जीता। वहीं 18वें ओवर में रवि बिश्नोई ने जबरदस्त गेंदबाजी की और महज 8 रन दिए। लेकिन आपको बता दें कि इतनी महत्वपूर्ण गति पर भी दुनिया का सबसे आसान कैच अर्शदीप सिंह ने छोड़ा था। सब चिल्लाए और गुस्से से देखने लगे। रोहित शर्मा को कोई दिमाग नहीं मिला। अब पाकिस्तान को 12 गेंदों में 26 रन चाहिए थे। मैच फिर से कड़ा हो रहा था। अंपायरिंग सिर्फ भारत के खिलाफ। क्या आईसीसी को गलत फैसले के लिए अंपायरिंग से जुर्माना लेना चाहिए? पाकिस्तानी बल्लेबाज ने दरअसल 19वें ओवर में 19 रन बनाए। पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 19वें ओवर में गजब की बल्लेबाजी की और 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने लगभग मैच को निकाल दिया था। लेकिन ये चौंकाने वाली चीज है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय टीम की यदि बात की जाए तो भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अर्शदीप सिंह का कैच जरूर छूटा 18वें ओवर में रवि बिश्नोई के, लेकिन उसी ओवर में पंत ने जब अपील की, रोहित शर्मा ने DRS लिया तो आसिफ अली साफ तौर पर स्निकोमीटर में दिख रहा था कि आउट। अचानक अंपायरों ने फिर बेईमानी की और भारत को इस मैच को खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब भारत के लिए एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की राह बहुत मुश्किल हो गई है। भारत को अपने दोनों मुकाबले अगले जीतने होंगे। ANP टाइम्स।